ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो विशेष तौर पर समय चल रहा है मार्च का आरंभ काल जो है उसमें ग्रहों का योग किस प्रकार का बना हुआ है, कैसे आपके जीवन में कल्याण के योग बनने वाले हैं। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई प्रकार के ग्रहों के योगायोग हैं जो इस मार्च में बनने वाले हैं। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, मंगल और विशेष तौर पर सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, शनि भी अपनी अवस्था को बदलने वाले हैं इस मार्च के महीने में भी। और ये सब ग्रहों का परिवर्तन जो होगा उन सब का प्रभाव आपके ऊपर भी होगा। और धनु राशि वालों के हिसाब से तो बड़ा महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बृहस्पति ग्रहों की युति जो चल रही थी, बृहस्पति पर शनि का प्रभाव जो था अस्त होने के कारण से नहीं था, वो भी शनि उदय होने वाले हैं। शनि सूर्य की युति चल रही है और वो कई ग्रहों से आसपास से घिरे हुए हैं और ऐसे में ये विप्लवकारी योग है, अशांति का वातावरण बनाता है, आंतरिक कलह का वातावरण बनाता है। यदि बाह्य स्थिति में देखा जाए तब भी और आंतरिक स्थिति में देखा जाए तब भी, तो हमारे मनोमस्तिष्क में भी इसका प्रभाव उत्पन्न होगा। कैसे हमको शांत रहना है, किस क्षेत्र में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है, ये सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें। यदि हम बात करें 1 मार्च की तो उस दिन पंचांग है, पंचांग के अनुसार से फागुन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, षष्ठी तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी, शुक्रवार का अवसर रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, चंद्रमा लाभ के स्थान में चल रहे हैं, बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं, बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई देती है, जैसा विशेष तौर पर आगे बढ़ने का योग बनेगा और आपके कार्यों की विशेष तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने के, यानी लाभांश आपको अच्छा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। बस समस्या ये है कि अपने जीवन में कई लाभ के लिए बस थोड़ा बृहस्पति को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पंचम भाव में इन दिनों चल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए यदि कार्य कर लिया आपने, कोशिश करें केसर का दान करें, हल्दी का दान करें, केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, पीली चीज़ों का दान करें, ये सब चीज़ें यदि उपाय करेंगे तो बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बने। शनि महाराज चल रहे हैं अस्त और बृहस्पति के लिए ये सुंदर कार्य आपने 2-3 कर लिए तो मान लीजिए आपके लिए अच्छा योग बनेगा। रवि योग विद्यमान है, नया कार्य आरंभ करने के लिए समय अच्छा है। दोपहर को 12:48 से योग बनेगा और रात्रि पर्यंत रहेगा, तो नए कार्यों में भी सुंदर गति से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं शुक्रवार का अवसर। ऐसे में माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करें, हो सके तो मखानों की खीर बना के भगवती को उसको अर्पित करें, भोग लगाएं, खुद भी प्रसाद लें और वितरण भी करें, कल्याण के योग बनेंगे। 2 मार्च को ग्रहों का योग दिखाता है, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर, सुबह सुबह परिवर्तन का योग, बृहस्पति चंद्रमा जो है वो परिवर्तित होकर 12वें भाव में जाएंगे, सुबह 8:20 पर आपके लिए थोड़े भारी रहेंगे। अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी के थोड़े से मनोमटाव के योग, थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं हीन भावना के योग बन सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत। चंद्रमा वैसे ही क्षीण है, वृश्चिक राशि में आकर आपकी राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, अननेसेसरी के रिस्क ना लें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कार्यों में एग्रेसिवनेस थोड़ी सी कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन भद्रा विद्यमान है, नए कार्यों का आरंभ करने से रोकती है, अन्य से विघ्न उपस्थित करने की योग बनाती है, तो 7:54 से लेकर रात्रि में करीब करीब 8:25 तक ये योग बना हुआ है, तो भद्रा को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें काली चीज़ों का दान करें, शनि के निमित्त थोड़ा सा उड़द का दान कर सकते हैं, ये सारे उपाय करके लाभ होगा आपको। 3 मार्च को ग्रहों का योगायोग भी परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है, साथ साथ रविवार का योग है, साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी है इस दिन। देखिए कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है भगवान शिव की आराधना के लिए बनती है, और कृष्ण जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है दुर्गाष्टमी के रूप में जानी जाती है, तो कालाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। और साथ साथ नेपच्यून ग्रह भी परिवर्तन की अवस्था में जा रहे हैं। नेपच्यून ग्रह जो बहुत लंबे समय तक एक राशि पर रुकते हैं, मीन राशि में इन दिनों चल रहे हैं और आपकी राशि में चतुर्थ भाव में सुख भाव में है और अस्त हो रहे हैं शनि के प्रभाव से, सुबह 4:43 पर अस्त होंगे। और ये जो ग्रह है विशेष तौर पर नवीन ग्रह माना जाता है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार का है। इसके अस्त होने से सुख में कहीं ना कहीं आपके लिए तो इम्प्रूवमेंट का योग दिखाई देगा, हमें लगता है अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अस्त होने से कहीं ना कहीं जो महाराज विशेष तौर पर राहु का प्रभाव वहाँ पर खराब था, उसके साथ में बृहस्पति ये नेपच्यून का प्रभाव भी थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो ऐसे में इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलने के योग अच्छे दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर
कालाष्टमी है तो शिव की आराधना करें। उम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जप करिए, कल्याण होगा। वहीं बात कर लेते हैं 4 मार्च की, तो 4 मार्च को नवमी तिथि का अवसर है, धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, लेकिन शाम को 4:00 करीब करीब 24 मिनट पर यह परिवर्तन का योग बनेगा और ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करने वाला होगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम को ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं शुभ सूचना लाने के योग बना रहा है। ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का, तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिव पर थोड़ा सा दूध के द्वारा अभिषेक करें, ये सुंदर लाभ देने के योग बनाएगा। साथ साथ 5 मार्च की बात कर लीजिए, 5 मार्च के दिन मंगलवार का अवसर है और नवमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और उसके बाद दशमी तिथि का आगमन हो जाएगा, यानी उस दिन दशमी तिथि क्षय भी हो रही है। अगले दिन सुबह सूर्य उदय के समय पर दशमी तिथि उससे पहले समाप्त हो जाएगी, तो दशमी तिथि क्षय रहेगी, तो ऐसे में राहु केतु का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है। राहु केतु जिस चरण में चल रहे हैं विशेष तौर पर उससे परिवर्तन का योग बनाएंगे नक्षत्रों के अनुसार से, और ये परिवर्तन आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए लाभ लेने की जरूरत है। चतुर्थ भाव में सुख भाव में और राज्य भाव में राहु का जो योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा सेहत में गिरावट देने के योग देता है। ध्यान रखते हुए सुखों में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग देता है, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा कराने के योग बनाता है, थोड़ा सा आलस्य का उदय करने का योग बनाता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, हो सके तो मूली का दान करने का प्रयास करें, हो सके हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें। हनुमान जी के लिए तो खासतौर पर ध्यान ही रखें, हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब शाम की वेला में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में सवामरी का भोग रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सुंदर यज्ञ रहेगा, भंडारा रहेगा, तो आप भी इसमें सम्मिलित हों, अपने नाम के द्वारा अपने नाम से सुंदरकांड में भाग ले सकते हैं। उस पूजा पाठ में भाग लेने के लिए, इस व्यवस्थाओं में भाग लेने के लिए सुंदर तरीके से फ़ोन पर संपर्क साध के अपना स्थान आरक्षित कराए हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 3, 4, 5 ये 3 तिथियां हैं, इसमें विशेष तौर पर मध्याह्न के उपरांत 3 तारीख के बाद से गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, पहले ज्येष्ठा और बाद में मूल। ये जातक जो जन्म लेते हैं इन 3 तिथियों में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा जीवन में बच्चों को कष्ट होता है। ध्यान रखते हुए कर लीजिएगा योग, इस बात का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। 6 मार्च का ग्रहों का योग आयोग दिखाता है बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, बुधवार और एकादशी का सुंदर योग। फागुन की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में जाना जाता है। मंगल चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन रात को जाएंगे, लेकिन ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं और ये जो अनुकूल ग्रह है ये लाभ के योग प्रशस्त बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है, विचारों में नए परिवर्तन, लाभ के योग, आपके थोड़े से प्रयास से ग्रह आपके भाग्य में अद्भुत लाभ देने के योग बनाएंगे। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उस चरणामृत को ग्रहण करें। अकाल मृत्युहरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, शास्त्र के दृष्टिकोण से सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करने का नियम बनाया गया है, अवश्य आनंद भाव से करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 7 मार्च को ग्रहों की गणना आपके लिए विशेष तौर पर अच्छी बनी हुई है, लाभ के योग बना रही है, लेकिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ रात्रि में चले ही गए हैं, मकर राशि में आपके द्वितीय भाव में उच्च के मंगल के साथ विद्यमान हो गए, उसके साथ साथ मीन में बुध का पदार्पण हो रहा है। चतुर्थ भाव में ये जो पदार्पण बुध का हो रहा है थोड़ा शीर्ण पड़ रहे हैं, कमजोर है, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी शक्ति उसको बढ़ानी पड़ेगी। उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए खास उपाय हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए, हो सके तो कोशिश ये करें माखन मिश्री का भोग भगवान को लगा दीजिए, सुंदर उसका परिवर्तन करने का लाभ देगा। लेकिन चीज़ें बुध क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो केंद्र के दो दो भावों के स्वामी हैं बुध, और ऐसे में उनका परिवर्तन क्षीण अवस्था में आने के कारण से थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है, यानी आपकी पकड़ आपके कामों में थोड़ी हल्की रह सकती है, उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। हो सके तो सबसे श्रेष्ठ हमने उपाय बताया भगवान कृष्ण का आराधना, माखन मिश्री का भोग, तुलसी दल उन्हें भगवान को नित्यपति अर्पित करना, ये सुंदर उपाय हैं। कन्या पूजन कर सके तो और सुंदर रहेगा। इसके साथ साथ शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है, शुक्र महाराज मंगल से हटकर अब शनि के साथ जा रहे हैं तृतीय भाव में। ये योग जो है आपके लिए विशेष तौर पर आपकी योग्यता को और निखारने वाला है। शनि के साथ शुक्र का जब योग बनता है तो कहा जाता है कि बड़ा सुंदर होता है धनोपार्जन के लिए, नए आपके लिए विशेष तौर पर योग बन सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि आलस में रहे तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से ना निकल जाएं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्ञानी जन लोगों का साथ सपोर्ट लें, विद्वानों की सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपके लिए सुंदर योग बनेंगे। तो ये लत्तीपत्ती करते रहें, इससे आपको लाभ ही योग बनने वाले हैं। 8 मार्च का दिन बड़ा विशेष है, साल में एक ही बार दिन आता है महाशिवरात्रि का दिन, और इस दिन तो बड़ा सुंदर योग बन रहा है, प्रदोष के साथ महाशिवरात्रि का योग बन गया है, क्योंकि इस दिन शुक्रवार के योग में त्रयोदशी उदया तिथि रूप में विद्यमान है और शाम को प्रदोष काल में भी त्रयोदशी रहेगी,
लेकिन रात्रि में करीब करीब 10:30 के आसपास चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, तो निश्चित काल में चतुर्दशी का योग बनने के कारण से महाशिवरात्रि का योग बन गया है। चंद्रमा भी परिवर्तन होकर कुंभ राशि में जा रहे हैं और चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। ये आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से सुंदर रहेगा, आगे बढ़ने वाला रहेगा। शिव की आराधना से किस्मत जागने के योग बनेंगे। सुंदर तिथि है, शिव की आराधना से अवश्य लाभ लें। आपकी राशि के अनुसार सुंदर योग है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा ही है और महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण होगा। जो जो लोग आएंगे सब लोग अपने अपने हाथ से भगवान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 108 शिवलिंग का निर्माण समस्त भक्तजनों के द्वारा किया जाता है और सुंदर तरह से आप इस कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं। लाभ लें, आशीर्वाद मिलेगा भगवान की कृपा से, कल्याण के योग बनेंगे अवश्य। ऐसा ये व्रत जो है त्यागने योग नहीं है, साल में एक बार आता है और पूरे साल के कष्टों को दूर करने के, भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बना देता है। तो अवश्य इस समस्त यज्ञों में भी भाग लें और हमारे आश्रम में होने वाले इस कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं आप। 9 मार्च को वहाँ शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह आपकी राशि के अनुसार से आपके समय का ये आप सदुपयोग कर लें। शनि, शुक्र, सूर्य और विशेष तौर पर चंद्रमा, ये सारे ग्रहों का योगायोग एक साथ बन गया है। लेकिन कुछ फालतू के कामों में लोग आपको फंसा सकते हैं। अपने काम को सही समय पर अपने समय का सदुपयोग करते हुए यदि काम कर लेंगे तो आपके लिए अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। समय का सदुपयोग करने के लिए यदि आप विशेष तौर पर तेल का दान करें शनि को अनुकूल करने के लिए, क्योंकि शनि चल रहे हैं अस्त इन दिनों, शनि की शक्ति को थोड़ा बढ़ा लें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा और शुक्र के साथ मिलकर शनि महाराज कल्याण के योग बना सकते हैं। 10 मार्च की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है उस दिन। मीन में चंद्रमा का प्रवेश होगा रात को करीब 8 बजे के आसपास। ओवरऑल ट्रांजेक्शन आपके लिए अच्छा है, जहां चल रहे हैं वहां भी अच्छा है, उसके बाद भी अमावस्या का अच्छा योग दिखाई देता है। ऐसे में दान पुण्य करने का प्रयास करें, पितरों के तर्पण करने का प्रयास करें और ये अमावस्या तिथि तर्पण के लिए सबसे प्रशस्त मानी जाती है और रविवार के दिन ये अमावस्या का योग बन रहा है। कोशिश ये करें यदि आपके ग्रह ठीक नहीं, इन दिनों शनि चल रहा है अस्त और विशेष तौर पर राहु भी योग जो बना रहे हैं मीन राशि में आपकी राशि के अनुसार से, वो कहीं ना कहीं सुख में कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ये सुंदर रहेगा आपके लिए। पितरों के निमित्त तर्पण करें, उनके लिए विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन कराएं, गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए, ये सुंदर कार्य आप करें, कल्याण के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से व्यवस्था कर रखी है कि जो जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं, अमावस्या के दिन करवाना चाहते हैं, गायत्री कराना चाहते हैं, वो सब आश्रम की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, लाभ होगा। देखिए जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में ग्रह जो ग्रह जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए ज्योतिष को गणने ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है या आपकी चंद्रमा की राशि है या सूर्य राशि है, इन सबको मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री को विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है या सिंह कुछ और लग्न आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है, नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की
बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्याय के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएं और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उस स्थान उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर हैं उनको अपने द्वारा अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है, शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है, ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरीय कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।